हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो लेक्चर टू स्टार्ट कर रहे हैं लीनियर अलजेब्रा का। इस वीडियो में जो देखेंगे वो देखेंगे हम रो रिडक्शन एंड इक्विलिन फॉर्म। तो सबसे पहले रो इक्विलिन फॉर्म क्या होती है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज के अंडर डिफाइन होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है ऑल नॉन जीरो रो आर अबव एनी रो ऑफ ऑल जीरोज, यानी जो नॉन जीरो रो होंगी वो जीरो रोज से ऊपर होंगी। यानी कि सपोज जैसे इसमें हमारे पास ये नॉन जीरो रोज, इसमें जीरो जीरो एंट्रीज हैं, तो नॉन जीरो वाली जो है सब इसके ऊपर होंगी, कोई भी इसके नीचे नहीं होगी। और सेकंड है द लेफ्ट मोस्ट नॉन जीरो एंट्री ऑफ आर रो। तो सपोज कि जैसे लेफ्ट मोस्ट की बात करें तो ये लेफ्ट मोस्ट, इसकी लेफ्ट मोस्ट ये है, इस रो की ये है, इस रो की ये है, इस रो की ये है। द लेफ्ट मोस्ट नॉन जीरो एंट्री ऑफ आर रो इज टू दी राइट ऑफ द लेफ्ट मोस्ट नॉन जीरो एंट्री ऑफ द रो अबव इट। यानी कि अगर नॉन जीरो एंट्री है तो ये जैसे यहाँ पे नॉन जीरो एंट्री है तो ये इसके नीचे की पार्ट में, अगर नीचे की पार्ट में सब यहाँ पे सर इसको इसी के हेल्प में समझें, तो जैसे यहाँ पे ये है तो इसकी जो राइट हैंड साइड में यहाँ पे नॉन जीरो एंट्री होनी चाहिए। या इसको दूसरी फॉर्म में समझें कि अगर यहाँ पे सपोज कि ये नॉन जीरो एंट्री है तो नीचे की जो रो में ये वाली टर्म जो होनी चाहिए जीरो होनी चाहिए, इसके लेफ्ट में, इसके लेफ्ट साइड में ही नॉन जीरो एंट्रीज होनी चाहिए, इसके राइट साइड में नॉन जीरो एंट्री, इसके इस साइड में यानी कि लेफ्ट साइड में नॉन जीरो एंट्री नहीं होनी चाहिए, राइट साइड में ही नॉन जीरो एंट्रीज होनी चाहिए। तो इस तरह का मैट्रिक्स जो होता है वो हमारे पास रो इक्विलिन फॉर्म कहलाती है। एनी मैट्रिक्स सेटिस्फाई प्रॉपर्टीज पी वन एंड पी टू इज सेड टू बी रो इक्विलिन फॉर्म। इन रो इक्विलिन फॉर्म को क्या और क्या डिनोट करते हैं, आर ई एफ। द लेफ्ट मोस्ट नॉन जीरो एंट्री इन अ रो इज कॉल्ड लीडिंग एंट्री। बेसिकली जो मोस्ट लेफ्ट एंट्री होते हैं वो लीडिंग एंट्री कहलाती है। जैसे इसमें वन लीडिंग एंट्री है, टू इसमें -9, इसमें 5 और इसमें कोई भी है ही नहीं हमारे पास क्योंकि सारी जीरोज हैं, तो इसमें कोई भी लीडिंग एंट्री नहीं है। उसके बाद अ कोसिक्वेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी टू इज दैट एवरी एंट्री बिलो द लीडिंग एंट्री इज जीरो। यानी कि इसका एक कोसिक्वेंस भी है कि लीडिंग एंट्री के नीचे वाली टर्म, नीचे वाली जो एंट्री होती है वो हमेशा जीरो होनी चाहिए। तो इसमें इसके नीचे भी जीरो है, अब जैसे यहाँ पे जीरो है और ये यहाँ पे जीरो है, तो इसके बीच की जो एंट्रीज है वो भी जीरो होनी चाहिए, ये भी जीरो है, इसके नीचे भी जीरो है, तो ये सारी जीरो होनी चाहिए। अभी एग्जाम्पल है, एक्सप्लेन वाई द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर नॉट इन आर ई एफ, यूज एलिमेंट्री रो ऑपरेशन टू पुट इन द आर ई एफ। तो अगर इसको हम एक्सप्लेन करना चाहें तो अगर देखें इस मैट्रिक्स को, ये क्यों आर ई एफ नहीं है, रो एलिमेंट्री फंक्शन क्यों नहीं है, रो इक्विलिन फॉर्म क्यों नहीं है, तो रो इक्विलिन फॉर्म क्यों नहीं है ये देखते हैं पहले। अगर इसमें प्रॉपर्टी वन की बात करें, प्रॉपर्टी वन क्या थी हमारे पास कि इसके जो नॉन जीरो आइडेंटिटी होनी चाहिए वो जीरो नीचे होनी चाहिए। तो सबसे मतलब पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर हमारे पास एक जीरो वाली एंट्री मिल जाती है, जीरो वाली रो मिल जाती है, वो सबसे नीचे होनी चाहिए, तो ये सबसे नीचे है ही नहीं, तो इसका मतलब है ये हमारे पास इक्विलिन फॉर्म नहीं है। और सेकेंड में अगर बात करें तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो लीडिंग एंट्री की बात करें, यहाँ पे बेसिकली जीरो है, जीरो की कोई एंट्री भी नहीं है। यहाँ पे अगर बात करें तो 7 इसकी लीडिंग एंट्री है, 3 इसकी लीडिंग एंट्री है, तो 3 के नीचे की वाली टर्म जो होनी चाहिए वो जीरो होनी चाहिए थी लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे ये यह नहीं है, तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास आर ई एफ नहीं है, रो इक्विलिन फॉर्म में नहीं है। अब सॉल्यूशन करते हैं, पहले हम यहाँ पे तो यहाँ से जो एम मैट्रिक्स जो है वो पी वन को फेल कर रहा था इसलिए आर ई एफ नहीं था, तो इसको बनाने के लिए क्या हमने दोनों रो को इंटरचेंज कर दिया, तो इंटरचेंज कर दिया 3 -1 0 3 0 1 3 0 0 0 0। अब देखें तो ये हमारे पास सबसे नीचे है और ये इसकी ये हमारे पास ये 1 3 जो है ये हमारे पास लीडिंग फॉर्म है, लीडिंग के नीचे के वाले टर्म देखें 0 0, तो इस कंडीशन हम कह सकते हैं कि ये जो है इक्विलिन फॉर्म है, रो इक्विलिन फॉर्म है। अब सेकंड की बात करें तो सेकंड वाला टर्म इसको फेल किया था क्योंकि प्रॉपर्टी पी टू फेल हुई थी इसीलिए, तो इसके लिए हमें यहाँ पे जीरो बनाना होगा। तो यहाँ पे जीरो बनाने के लिए सिंपली अगर हम
रोज R3 पे ऑपरेशन लगाना होगा, क्योंकि इसको जीरो बनाना है। तो R3 -2R2 अगर हम करते हैं तो ये वाली टर्म जो है जीरो बन जाएगी। हमने R1 पे क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर R1 पे करते तो ये टर्म नॉन जीरो हो जाती, इसलिए हमने R1 पे नहीं किया, R2 पे किया है। तो ये हो गए हमारे पास। तो यहाँ से 7 5 0 -3 0 3 -1 0 0 0 -3 0, तो ये फॉर्म में अगर देखें तो ये हमारे पास REF फॉर्म में है। तो यहाँ से ये हमारे पास REF फॉर्म में इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, वाई REF इज यूजफुल। REF यूजफुल क्यों है? तो बेसिकली REF यूजफुल क्यों है, जब हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है, सपोज कि ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था, तो इसको हम सॉल्व करना बेसिकली सब इस तरह से x1 x2 के लिए सॉल्यूशन निकालना बहुत मुश्किल होता है। बट जब हमारे पास REF में चेंज कर दिया, तो यहाँ पे सपोज हम x1 x2 x3 ये इस टर्म में ले रहे हैं, इसको हम जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, इसको हम आर्गुमेंट इसके b की फॉर्म में ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, रिलेशन बन जाएगा 7x1 + 5x2 = -3 3x1 - x2 = 1, और साथ में आ गया -3x3 = 0। तो यहाँ से x3 बराबर, अब बैक, यहाँ बैक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, पीछे की तरफ से हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से देखें तो x3 बराबर 0 आ गया, तो यहाँ पे हम x3 बराबर यहाँ 0 पुट करेंगे, तो x1 = 1/3। अब यहाँ पे x1 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो x2 की वैल्यू निकल आएगी। तो REF यूजफुल इसीलिए है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम बेसिकली सॉल्व करते तो हमारे पास सॉल्यूशन लेंथ हो जाता है। तो इसमें चेंज करके हम और बैक सब्स्टिट्यूशन से इजीली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फ्रेंड्स रिड्यूस रो इक्विलिन फॉर्म।